मतलब कोई करंट वगैरह इसमें से पास नहीं करेगा अगर, क्योंकि इलेक्ट्रिकली सर्किटेड रेलवे ट्रैक्स भी होते हैं ना कुछ, अगर मैं आपको अगले उसमें सिग्नल्स वगैरह बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा किस तरह से इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पॉइंट्स एंड स्विच कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कुछ एडजस्टमेंट होती है ना रेलवे ट्रैक की जो ऑटोमेटिक होती है, इलेक्ट्रिकली होती है, तो उसका डिस्कस करेंगे। तो वहां पे एक गुड इंसुलेटर, मतलब करंट पास नहीं करते हैं, ठीक है, तो इट एक्ट एज अ गुड इंसुलेटर वहां पे, क्योंकि लकड़ है, ठीक है, वुड यूज कर रहे हैं इन टर्म्स, अगर यही मैं बात करूँ स्टील की या फिर आयरन की, वहां पे वो करंट पास करेंगे। तो ये तो कुछ थे वुड के मतलब वुड वाले वुडन स्लीपर्स के एडवांटेजेस। नेक्स्ट एक आपको चीज बतानी थी, अच्छा सॉरी एक चीज, अगर मैं बात करूं रेलवे ट्रैक्स की, रेलवे की, द साइज ऑफ स्लीपर विल डिपेंड अपॉन द लोड कमिंग। वो कह रहे हैं कि हम स्लीपर के साइज कैसे डिजाइन करेंगे, वो डिपेंड किस पे करता है कि कितना लोड आ रहा है ट्रेन का स्लीपर के ऊपर, और फर्दर उसको कितना लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वालिटी ऑफ टिम्बर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या टिम्बर की क्वालिटी कैसी है। तो अब इसके बेस के ऊपर ना हमारी जो इंडियन रेलवे है उसने दो तरह के स्लीपर्स डिसाइड किए, एक अनट्रीटेड जिसको कैपिटल यू से कोड्स में, रेलवे के आपको पता है ना अलग से स्पेसिफिकेशंस होती है, उनके अलग से कोड होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के इतने डिटेल में नहीं है, वो जब आप रेलवे इंजीनियरिंग करोगे तब आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसमें जनरल गाइडलाइन दे रही हूँ, वैसे ये सिलेबस में भी नहीं है, बस एक आइडिया सा दे रही हूँ कि दो टाइप में हमारे स्लीपर्स होते हैं उन कोड्स के अंदर, एक अनट्रीटेड होते हैं और एक ट्रीटेड होते हैं। और टेबल वाइज अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि साइज ऑफ टिम्बर कितना होता है स्लीपर का, कैसे एक स्टैंडर्ड जो साइज हमें दे रखा है हमारे कोड्स के अंदर, जो उन्होंने प्रॉपर एक रिसर्च करके डिसाइड किया है, प्रॉपर डिजाइन एनालिसिस करके, तो उन्होंने एक सर्टेन मतलब कि अगर ब्रॉड गेज है, ये सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है स्लीपर की, तो स्लीपर की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अगर ब्रॉड गेज हमने प्रोवाइड किया है तो किस तरह का, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप लोगों का स्लीपर, तो स्लीपर की लेंथ कितनी होनी चाहिए 275 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ कितनी होनी चाहिए 25, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप लोगों को तीनों जिस गाइड जो हमारे उसके अंदर रेलवे कोड्स होते हैं उसके हिसाब से ये वाली डायमेंशन हमें दे रखी है। अब कहने का मतलब क्या कह रहा है कि बेयरिंग एरिया कितना होना चाहिए पर स्लीपर का इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी इन सेंटीमीटर स्क्वायर कितना एरिया होना चाहिए, ठीक है, बेयरिंग एरिया पर स्लीपर एक का, एक किसका 4645 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो वेट कह रहा है कितना होना चाहिए, ये वेट जो हमारा होता है इन केजी होता है, अनट्रीटेड 73 केजी होना चाहिए, ट्रीटेड वाले का 56 केजी होना चाहिए, एंड फर्दर जो इसके डायमेंशन होती है इनटू 20 सेंटीमीटर इनटू 11.5, और उसका एरिया कितना होना चाहिए टोटल 3096 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगेन अनट्रीटेड और ट्रीटेड के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए 33 किलो होना चाहिए मीटर गेज पे जो हम स्लीपर। अब कहने का मतलब है कि जो आप ट्रैक यूज कर रहे हो जहां पे ये वाले अगर स्लीपर अगर यूज कर, एक मिनट, अगर मैं बोलूं ये कहने का मतलब क्या है, अगर ये वाला जो डिस्टेंस हम मीटर गेज है, मतलब जो गेज है वो मीटर गेज है, तो उसके नीचे जो स्लीपर मतलब 1 मीटर अगर ये रेल के बीच का डिस्टेंस है, तो उसके नीचे जो ये स्लीपर यूज हो रहा है उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए 180, तो उसकी क्या होनी चाहिए लेंथ सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वो ये इसके हिसाब से है, ठीक है। एरिया कितना होना चाहिए 3096 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ये फर्दर इन के जी 33 के जी, यहाँ पे 26 के जी, ठीक है, इनका वेट जो होना चाहिए ट्रीटेड और अनट्रीटेड का। सिमिलरली नैरो गेज के, अगर ये बीच वाला डिस्टेंस जो नैरो गेज वाला है, ठीक है, तो हम ये वाला स्लीपर यूज करेंगे इस डायमेंशन के। ये तो बस एक जनरल हमारा क्या था गाइडलाइंस थी कि वुडन स्लीपर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, फंक्शंस क्या क्या प्ले करते हैं, कितनी डायमेंशन होनी चाहिए, ये एज पर कोड्स थी आप लोगों के पास। और फर्दर जब आपको इसको फिक्स करना है स्लीपर और रेल को, तो आइदर वी यूज क्या यूज करेंगे, स्पाइक शुड बी ड्रिवन केयरफुली थ्रू द स्लीपर, अदरवाइज स्लीपर विल बी डैमेज, बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो हमारे स्लीपर डैमेज भी हो सकता है, ठीक है, एंड द गेज ऑफ द ट्रैक विल बी अफेक्टेड। ये आपकी बेसिक वुडन की थी। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आई होप आप लोग पढ़ लेंगे, इकोनॉमिकल है ये, ठीक है, और काफी इजीली इसको आप क्या कर सकते हो, मेंटेनेंस इसकी कैरी कर सकते हो, ठीक है, फिटिंग्स इसके अंदर इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, एंड सूटेबल है काफी ज्यादा ब्लास्ट के लिए, टैंपिंग एक्शन के लिए, ठीक है, दे आर इजीली हैंडल। तो ये कुछ इसके इंसुलेटर है, ये कुछ इसकी क्या है एडवांटेजेस हैं।
तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है वुडन स्लीपर्स के बारे में लिखो, तो आपको एक जनरल सी गाइडलाइंस देनी है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जरूर लिखने होते हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस तो ये क्या है कि जो वुडन मटेरियल होता है ना उसके ऊपर आप लोगों को पता है कि वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्या कर जाते हैं वुड को, मतलब वुड आपकी क्या होती है, डिके हो जाती है, ठीक है। तो आइदर ड्यू टू रेनी सीजन वो जल्दी डिके हो जाएगी, ठीक है, या फिर उसके ऊपर वर्मिंस एक्ट कर जाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कई जगह पे अगर सियोंक लग जाते तो वहां पे खतरा रहता है, ठीक है। तो वहां पे मटेरियल डिके कर जाता है, डिकम्पोज करते हैं, या फिर वहां पे फायर कैच कर सकती है। और एक चीज क्या है, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू समझते हो कि अगर कोई मटेरियल डिस्कार्ड हो गया है, काम का नहीं है, खराब हो गया है, तो अगर उसको वहां से निकाल के अगर आप उसको बेचते हो तो उसका इन रिटर्न वैल्यू कितना मिलता है, उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो वुड के स्लीपर की कोई स्क्रैप वैल्यू खास नहीं है, इतना वहां से एडवांटेज हमें नहीं मिलता है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है इसकी काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी क्या होती है, डिके करती है इन कंपैरिजन टू कंक्रीट, इन कंपैरिजन टू कास्ट आयरन, या फिर इन कंपैरिजन टू स्टील, ठीक है। इसकी जो लाइफ भी है वो क्या है, शॉर्टर है इन कंपैरिजन टू किसके, स्टील के, कास्ट आयरन के। ये इसके बेसिक से कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अब अगर आपको इसकी इमेज दिखाएं हम, तो सबने देखे होंगे रियल स्लीपर्स। तो ये वाले आपकी वुडन स्लीपर है, ये तो सबने देखे होंगे, आई होप सो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये वुड के स्लीपर यूज हो रहे हैं। ये इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, ये हमारी रेल है, ठीक है। यहाँ पे ये फिश प्लेट दिखा रखी है इन्होंने, ठीक है। और किस तरह से यहाँ पे आप लोगों के क्या यूज हो रखे हैं, इसको टाई किया हुआ, नीचे ये बेयरिंग प्लेट लगी हुई है ना यहाँ पे, इसमें एडजिंग एक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे नीचे क्या लगा दिया, बेयरिंग प्लेट लगा दिया इसको होल्ड करने। इसमें कोई डाउट बच्चे वुडन स्लीपर्स में, आया ना? No, ma'am. अगली भी आज करनी है कि बाद के लेक्चर्स में करना है? चलो ठीक है, थैंक यू क्लास। मैं आपको ना इन्फॉर्म कर दूंगी, इफ आई विल बी टेकिंग योर लेक्चर, आइदर पंकज सर से मैं बात करती हूँ या फिर कीमती लाल सर से। कीमती लाल सर आपके लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं ना?